अगर टू के बाद से नाउन आता है तो यह प्रीपोजिशन होता है, वो टू क्या है प्रीपोजिशन। अगर टू के बाद से टी डबल ओ देख सकते हैं आप, एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो इस टू को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टू। क्या बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टू, यानी इसका एक सुटेबल आंसर होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो किसी चीज की अधिकता बताए। जैसे एग्जांपल में दिया जाए इट इज टू कोल्ड, आज बहुत ठंडी है, यानी यहां जो कोल्ड की डिग्री बता रहा है कि आज बहुत ठंडी है। यह जो टू है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यह किसी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव के पहले लगता है। दूसरा देखेंगे अगर टू के बाद से नाउन आता है, एग्जांपल देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी मैं विद्यालय जा रहा हूं, विद्यालय से जुड़ रहा हूं, तो यहां पे जो टू है यह प्रीपोजिशन है। अब जानते हैं प्रीपोजिशन जो वर्ड व्हिच इज यूज्ड before a noun and pronoun to show relation with other participles, तो noun की पहले लगा है, इसीलिए to है यहाँ पे preposition। अब हमें जानना है infinitive, कहीं भी आप देखेंगे अगर verb है यानी किसी tense में किसी मानस एग्जाम में नहीं यूज हुआ है उसके पहले to आता है। जैसे example में देखते हैं to wake up in the morning is a good habit. To wake up in the morning is a good habit. सुबह उठना एक अच्छी आदत है। तो हम देख रहे हैं to wake up है। यह जो to है, यानी यहाँ पे denote कर रहा है infinitive। जब भी किसी क्रिया के last में ना, नी, ने शब्द आता है, तो हम to लगाते हैं। जैसे example देखते हैं। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो देख रहे हैं पे I want चाहना हो गया। अब देखेंगे चाहना के बाद मैं कुछ करना ना शब्द आ रहा है, इसलिए कुछ ऐड कर देंगे I want to say something।